मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेटली मानहानि केस की। इस पूरे मसले में राम जेठमलानी को 4 करोड़ की फीस पर मनीष सिसोदिया की जो सफाई आई है वो आपके सामने है। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि जनता का पैसा का दुरुपयोग हुआ है और इस पर अब केजरीवाल गवर्नमेंट की सफाई आई है। केजरीवाल का केस निजी नहीं है, ये मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनका बयान आ रहा है। तो ऐसे में जो बिल है वकील का वो तो सरकार ही देगी। सरकार ने जांच कराई, क्रिकेट का भ्रष्टाचार रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने कदम उठाया। अब सरकार के द्वारा कराई जा रही जांच की वकील की फीस अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से देंगे, वो पर्सनल केस थोड़ी था। उनकी जमीन का मसला थोड़ी था कि उनकी जमीन जारी थी, वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। क्रिकेट को बचाने के लिए, क्रिकेट में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए उन्होंने जांच बिठाई थी और जो लोग फंस रहे थे उन्होंने मुकदमा किया। उस मुकदमे को तो अब सरकार लड़ेगी, सरकार के उस पर लड़ेगा। दूसरी चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि ये उनकी जमीन का मसला थोड़ी था कि उनकी जमीन जारी थी, वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। क्रिकेट को बचाने के लिए, क्रिकेट में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए उन्होंने जांच बिठाई थी और जो लोग फंस रहे थे उन्होंने मुकदमा किया। उस मुकदमे को तो अब सरकार लड़ेगी, सरकार के उस पर लड़ेगा। दूसरी चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि ये इसकी टाइमिंग देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1.5 साल से ये मुकदमा चल रहा है, जेठमलानी जी 1.5 साल से ये मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन 1.5 साल से ये बात नहीं हुई, आज ये बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कल ये लोग बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं। ईवीएम का घोटाला सामने आने के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं बच रहा, सारा का सारा मुद्दा इन्होंने पलटने के लिए कोशिश की है। इनको जवाब देना चाहिए, ईवीएम में घोटाले में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव ये लोग ईवीएम का घोटाला करके जीते हैं और अब मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए ये 1.5 साल पुराना मुकदमा उठा के लेके आए कि इतनी फीस दी जा रही है, इतनी फीस दी जाएगी, ये तो मैंने साफ साफ बता दिया। थैंक यू। क्रिकेट में भ्रष्टाचार का केस निजी नहीं है, ये कह रहे मनीष सिसोदिया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यहां पर आरोप उन्होंने लगाया है। वहीं इंडिया न्यूज ने इस पूरे मामले पर, ये जो फीस विवाद का ये जो पूरा मसला, उस पर राम जेठमलानी से एडिटर न्यूज आचल आनंद ने एक्सक्लूसिव बात की है। कानून की किताबों में हमें सिखाया जाता है कि लीगल डिफेंस करना हो क्रिमिनल केस में तो कैसे करें, लेकिन आपकी फीस बहुत ज्यादा है। आप अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहे हैं, 3.5 करोड़ का आपने बिल थमा दिया है। देखो, I charge only the rich who can afford. My fee is sometimes between 50 lakhs and 1 crore retainer, and of course conferences and other things. But my daily fee is 22 lakhs, which includes my staff. एक appearance की हिंदी में सर? Yeah, एक appearance में. मगर मैं 10% जो शाहूकार हैं, उनसे fees लेता हूँ. बाकी वकालत करता हूँ 90% की फ्री, जो कोई वकील नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर 3.5 करोड़ का बिल अरविंद केजरीवाल को जो हो गया, व्हाई नॉट, इफ ही कैन पे, इफ ही डज नॉट पे और कांट पे, आई विल डू फ्री वर्क फॉर हिम, देन आई ट्रीट हिम एज अ पुअर मैन। केजरीवाल को मैं अब जेब से भी पैसा दूंगा। नहीं, मैं इसलिए पूछूं सर कि अरविंद केजरीवाल जी को आप जब डिफेंड कर रहे हैं तो आप उनको एज अ मुख्यमंत्री डिफेंड कर रहे हैं या फिर एज अ प्राइवेट सिटीजन डिफेंस कर रहे हैं? क्योंकि एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इट इज इन दैट कैरेक्टर दैट ही हैज बीन डैमेज, ही हैज नॉट टॉक्ड ऑफ एनी प्राइवेट लाइफ ऑफ केजरीवाल। नहीं, लेकिन सवाल फिर ये होता है, आपको लगता है ये सही है कि 3.5 करोड़ का बिल दिल्ली की जनता भुगते? दिल्ली की जनता है, इनको कौन देता है? सब पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट में कितना करोड़ों रुपया खर्चा होता है, जनता करती है कि कौन करता है? कौन करता है कि ये क्या सवाल, अब नए नए सवाल करते हो? इसलिए पूछ रही हूँ सर क्योंकि बाकायदा इस पर दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप दिस केस, आई विल वर्क फॉर केजरीवाल इवन फ्री, इवन इफ ही वॉन्ट सम मनी फ्रॉम मी आई विल गिव इट टू हिम। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि इसका मतलब है आप एक बात ये कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का केस आप मुफ्त में लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली की जनता के ऊपर वो बोझ ना डाले? मैं नहीं कहता हूँ बोझ नहीं डाले, जब जनता का भी फर्ज है अपने मिनिस्टर को सपोर्ट करना। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर मान लीजिए कोई एलिगेशन लगाई, वो सीबीआई रेड के बारे में बात करते, सरकार के बारे में बात कर, समझ में डजंट मैटर, दैट्स अ मैटर फॉर इलेक्शंस, fight him in the proper election. Today he is an elected chief minister. He is entitled to be helped by the people for whom he is serving. But Mukhyamantri ji, agar bahut cheezein aisi bol jayenge aur manhani ka mukadma Jaitley saab kar, aap sab
these are questions, you know the answers. So please, I'm pleased to talk to you, but हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे मिस्टर राम जेठमलानी, जिन्होंने कहा कि अगर मुफ्त में भी अरविंद केजरीवाल का केस लड़ना पड़े तो वो जरूर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी फीस जरूर चार्ज करते हैं. अभी उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि उन्होंने बिल जरूर थमा दिया है अरविंद केजरीवाल को. अब दिल्ली की जनता इसको भुगतेगी या नहीं भुगतेगी, एक और रस्साकशी और कहीं ना कहीं खींचतान का एपिसोड हम देख रहे हैं यहां पर. कैमरामैन पिंकी के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली. अपने चित परिचित अंदाज में आपने राम जेठमलानी को यहां पर सुना. उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल गरीब हैं तो वो फ्री में उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं. दिल्ली की जनता का भी फर्ज है कुछ अपने मुख्यमंत्री के प्रति. मैं सिर्फ अमीरों से ही चार्ज लेता हूं, गरीबों से नहीं. इस पूरे मामले पर राम जेठमलानी ने बचाव किया है, सफाई भी दी है, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता पर जिस तरीके से मीडिया कह रहा है कि दिल्ली की जनता क्यों भुगते, तो वाकई दिल्ली की जनता का भी दायित्व है अपने सीएम की प्रति. राम जेठमलानी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो केस लड़ने को तैयार है फ्री में भी, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो. गरीबों से वो कोई चार्ज नहीं लेते, अमीरों से सिर्फ चार्ज लेते हैं. ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने इंडिया न्यूज में देखा.